हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ क्लास 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है कि जो एलएचएस की टर्म है वो हमारी आरएचएस की टर्म के इक्वल है। ठीक है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। अब देखो, हमारी दो टर्म है, दोनों क्यूब है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है। तो जब भी हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन कि दोनों टर्म क्यूब है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a प्लस बी तो इस क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, x और y यूज हो रहा है। सो हम उस फॉर्मूले को एक्स वाई की फॉर्मेट में लिखेंगे। जहां पे a लिखते थे हम वहां पे x लिखेंगे, जहां पे b लिखते थे हम वहां पे y लिखेंगे। सो x प्लस वाई होल क्यूब का हम फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, सो इसको अब हम फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो 3xy हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 3xy। अंदर क्या टर्म बचेगी? अब देखो एक x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर एक ही x रहेगा, y भी हमने बाहर ले लिया, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, 2y है, 1y हमने बाहर ले लिया, अंदर एक ही बचा। ये वाई टर्म हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अब इतना देखो एक्स प्लस वाई क्यूब यहाँ पे अलग से है, तो इसको हमें अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब इस टर्म को हमें उस साइड लेकर जाना पड़ेगा। अगर 3xy को हम उस साइड लेकर जाएंगे, सो टर्म क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस, ये पॉजिटिव है तो वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम इन टर्म्स को इधर आगे पीछे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई क्यूब को हम इधर लिख देंगे और इस टर्म को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी टर्म हम लेकर गए हुए हैं, तो साइन चेंज नहीं होंगे इस केस में। तो अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे है 3xy एक्स प्लस वाई, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अभी देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो हम एक्स प्लस वाई यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन लेंगे, हमने एक्स प्लस वाई कॉमन लिया। ओके, सो अंदर हमारी टर्म क्या बचेगी, अब देखो एक्स प्लस वाई बाहर चला गया, तो ये 3 times था, ये 2 हो जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 3xy। इसका x प्लस वाई तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 3xy ही बचेगा। यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया x प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे m x प्लस वाई। अब ये देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वही अप्लाई करेंगे। वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, माइनस 3xy। ओके, बाकी सारी टर्म्स हम एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप करेंगे अब हम एक्स स्क्वायर हम एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे 2xy और यहाँ पे माइनस 3xy, दोनों की वेरिएबल सेम है xy, इसका मतलब है दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो माइनस 3 है, ये 2 है, माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन बड़े का आता है, बड़ा नंबर है हमारा 3, सो 3 में से अगर 2 गए तो 1 आएगा, सो माइनस 1xy आएगा, तो 1 हम लिखे या ना लिखे हम डायरेक्ट xy लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें यही बोला हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ये फॉर्मेट हम लेकर आ चुके हैं एंड में, सो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट में भी हमें वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव है और एक क्यूब की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, ए क्यूब ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हम एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिखेंगे। सो था एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे हम, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy प्लस 3xy स्क्वायर। ओके,
नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो इन दोनों में से 3xy कॉमन आ रहा है, तो हम 3xy को कॉमन लेंगे, 3xy अब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और y। कभी भी हम नेगेटिव की वैल्यू बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का प्लस यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो 3xy इधर प्लस में है, अगर उस साइड हम लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सो हम लिखेंगे x माइनस वाई होल क्यूब प्लस प्लस माइनस में तो उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो हम आप लेंगे प्लस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू हम इधर ले लेंगे। ओके, ये हम इधर लेकर आ सकते हैं, हम पूरी पूरी टर्म लेकर आ गए हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो हम ये टर्म एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अभी क्यूब था, एक टर्म हम बाहर ले गए तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, x माइनस वाई हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर है 3xy बचेगा, बाकी टर्म हम एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला था, वही हम अप्लाई करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, सो फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ओके, हमने फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, सारी टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2xy है और यहाँ पे 3xy है, दोनों के वेरिएबल सेम है xy, तो मतलब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन बड़े का आता है, बड़ा नंबर है हमारा 3, 3 में से अगर 2 हमने माइनस किए तो 1 आएगा और साथ में वेरिएबल क्या है xy, तो 1xy, सो 1 ना लिखते हम डायरेक्ट xy लिख सकते हैं और वो प्लस का आएगा क्योंकि 3 हमारा प्लस का है, सो प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन आया। अब ये देखो हमने हमारे क्वेश्चन में यही बोला हुआ था सॉल्व करने के लिए जो हम एंड में ले आए हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि आप तो 3xy को उधर लेकर जाने वाले थे, आपने तो यहाँ ले लिया, तो मैंने यहाँ लिया नहीं है, ये देखो x माइनस वाई क्यूब वहां पे एज इट इज लिखा है और ये हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो हमने पूरी पूरी टर्म को लेकर गए हैं दूसरी साइड, तो इस केस में साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, पूरा जो हम x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy हम पूरा यहाँ लिखते, उस पूरे को उठाकर हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेट में राइट हैंड साइड ही था, तो हमें इजी हो इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 10, तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।